ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है हमारी खास पेशकश में, जहां आज हम चर्चा कर रहे हैं यदि डॉक्टर्स की लापरवाही है, कानून कमजोर है तो जिम्मेदार कौन, यानी परिजन जिनका अपना शख्स खो गया है ऐसे में वो क्या करें, डॉक्टर्स जो अपना पल्ला झाड़ देते हैं यदि गलती होती है तब भी वो ये कहते हैं कि गलती हमारी नहीं, और यहां पर ये बहुत चिंतनीय विषय है कि ऐसे में कानूनी कोई प्रावधान भी नहीं है जहां डॉक्टर्स के खिलाफ जाकर एक आम शख्स दरवाजा खटखटा पाए, क्योंकि डॉक्टर्स की गिरफ्तारी का कोई प्रावधान नहीं है। तो आइए हम लगातार चर्चा कर रहे हैं, हमारे साथ मधु दास जी हैं, सोशल वर्कर हैं, अश्विनी जी हैं, एडवोकेट हैं और हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हम बहुत बहुत स्वागत करेंगे एक बार सभी का। और चंडीगढ़ से इंडियन मेडिकल एसोसिएशन से डॉक्टर पिंकेश वर्मा जी भी जुड़ रहे हैं। पिंकेश जी नमस्कार, MH1 न्यूज में स्वागत है। हम लगातार एक चर्चा कर रहे हैं इस विषय पे कि जिम्मेदार कौन आखिरकार, पर सोसाइटी में जो लोग रह रहे हैं अब उनका दर्द इतना बढ़ चुका है। दास्ता आप भी अक्सर न्यूज के माध्यम से सुनते होंगे कि परिजनों ने हंगामा काटा, उन्होंने अस्पताल के शीशे तोड़ दिए, कर्मचारियों पर उन्होंने जो है कहीं ना कहीं मारपिटाई की है, गुस्सा अपना सारा जो है अस्पताल पर निकाला क्योंकि उनका अपना किसी की शख्स की डेथ हो गई। अब ऐसे में अभी कुछ देर पहले अश्विनी जी कह रहे थे कि जो पैनल होता है जहां डॉक्टर्स के ऊपर इल्जाम लगाए जाते हैं कि डॉक्टर्स की लापरवाही थी, ऐसे में वो पैनल्स में भी वही डॉक्टर्स ही होते हैं, तो जाहिर सी बात है वो डॉक्टर्स किसी दूसरे डॉक्टर पर एलिगेशन ना तो लगने देंगे और लग रहे हैं तो उनका बचाव करेंगे। तो हम पिंकेश जी, क्योंकि आप इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के मेंबर भी हैं, तो हम आपसे जानना चाहेंगे बींग अ मेंबर क्या ऐसा होता है, कितना बायस्ड हो जाता है जब ऐसा डिसीजन लेना होता है। देखिए मैडम, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि डॉक्टर्स के अगेंस्ट बायस हैं, वो उनका बचाना चाहते हैं, उनकी गलतियों को छिपाना चाहते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। हम केवल उन्हीं केसेस को एडमिट करें, उन्हीं केसेस को देखें जो हमारी फील्ड के हैं और हमारे जो हमारा फील्ड है, जो हमारी काबिलियत है, उसको हम उसको अटेंड कर सकें। हम ऐसे केसेस ना लें जो हमें लगे कि जो हमारे से नमी नहीं समझ सकते। दूसरा, हम पेशेंट्स को डे बाय डे और उनको जो पेशेंट का प्रोग्नोसिस है सिंपल लैंग्वेज में, जो लैंग्वेज उनकी है अंडरस्टैंड करते हैं, उसके बारे में उनको बताएं। कम्युनिकेशन गैप पेशेंट्स के बीच में नहीं होना चाहिए। ऐसा अक्सर तभी होता है जब कम्युनिकेशन गैप होता है, जब डॉक्टर रिश्तेदारों को उनको प्रॉपरली नहीं समझा पाते हैं। तो आज की डिमांड है कि आप अस्पताल में कोने कोने पे CCTV कैमरेज लगाएं, अपनी बात और पेशेंट्स के रिलेटिव्स के बात में जो बात होती है वो आप CCTV कैमरे में रिकॉर्ड करें, समय समय पर उनको पेशेंट की कंडीशन के बारे में बताते रहें, और कोई ऐसा वायदा ना करें, आप 100% ठीक करने का वायदा ना करें। और अगर ऐसी कंडीशन आ रही है जब मरीज की हालत खराब हो रही है तो उसको टाइमली अस्पताल में रेफर कर दें। जी चलिए पिंकेश जी, ये तो आपने हमें बहुत अच्छे माध्यम बताए हैं जिनके द्वारा जो समाज में आज कई बार लोगों की मौत हो जाती है जब इल्जाम डॉक्टर्स के ऊपर लगते हैं कि लापरवाही की वजह से जान गई है। हमने अभी कुछ देर पहले अपने दर्शकों को खबर दिखाई थी, एक गर्भवती महिला, उसे 2 घंटे के लिए छोड़ दिया गया। पर मेरा सवाल फिर वही खड़ा है, ऐसे में जिनका अपना जा चुका है डॉक्टर्स के खिलाफ कानूनी, हमारे साथ विशेषज्ञ भी बैठे हैं अश्विनी जी, हम उनसे भी जानेंगे। चलिए अश्विनी जी, पहले आप ही से जानते हैं, तो कानूनी प्रावधान तो नहीं है ना, तो कोई डॉक्टर्स के खिलाफ कोई कानूनी प्रावधान है? ये गलत है। कानूनी प्रावधान है जो रेगुलेशंस हैं, जो ये कहते हैं डॉक्टर अरेस्ट नहीं किए जा सकते, या जो रेगुलेशंस ये कहते हैं कि डॉक्टर्स के अगेंस्ट प्रोसीडिंग नहीं की जाती, वो गलत है। ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। अगर नेग्लिजेंस हुआ है और अगर मेडिकल बोर्ड पे हम ये पता कर सकते हैं कि नेग्लिजेंस हुआ है तो उन डॉक्टर्स को अरेस्ट भी किया जा सकता है। अरेस्ट इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि अगर एक डॉक्टर को अरेस्ट किया जाएगा, हो सकता है उन्होंने एक जगह पे नेग्लिजेंस किया हो, बट इंटेंशन अगर उनका नेग्लिजेंस का नहीं है तो आप ये देखिए कि उन्होंने कितने सारे बात तो वही आ गई अश्विनी जी, क्योंकि कोई केस में नेग्लिजेंस माना ही नहीं जाता। अमूमन ये लगाया जाता है कि मौत के लिए या मौत की उनकी मंशा ही नहीं थी, उनको बचाने के लिए उनकी कंसेंट लेटर तो जाते ही साइन हो जाते हैं। देखिए कंसेंट लेटर की जो आप बात कर रही हैं और जो आपने ये कहा है कि उनकी इंटेंशन तो हमेशा बचाने की होती है। एग्जैक्टली, वो कहते हैं 10 केसेस में इन्होंने बचाया, इस केस में इससे एलर्जी थी, वही बात आपकी वाली कि इस मेडिकल से विटामिन सी से एलर्जी थी, तो विटामिन सी हर किसी को तो एलर्जेटिक नहीं होता ना। लेकिन बात इसमें यह आ जाती है कि अगर डॉक्टर्स किसी जगह पर किसी पर्टिकुलर पेशेंट के साथ अगर वो नेग्लिजेंट हो गए या उन्होंने चेक नहीं किया या किसी तरह से उनके वजह से किसी पेशेंट की जान चली गई, वो तो बहुत बड़ी बात है, बट छोटी छोटी चीजें भी हो जाती हैं। किडनी स्टोन का रिमूवल कर रहे हैं और किडनी में ई कॉली बैक्टीरिया चला जाता है उनका लैप्रोस्कोपी में और उनका पूरा किडनी निकालना पड़ जाता है, इंटेस्टाइन निकालना पड़ जाता है, स्टमक निकालना पड़ जाता है, और फिर ये कहते हैं कि
जी हमारी इसमें कोई गलती नहीं थी, वो तो इकोली बैक्टीरिया की पर गलती फिर थी इसे साबित कौन करेगा? अब बात जब साबित करने की आती है तो बहुत बार ये देखा जाता है, जो मैं अपने एक्सपीरियंस में आपको बता सकता हूं कि जो जो एक्चुअली लॉस सफरर्स हैं, जिन्हों जिनके घर वाले लॉस जिनको हुआ है जी, थोड़े देर लड़ने के बाद दे गिव अप। इतना तो सबको, जो हमारे दर्शक हैं उनको इतना तो ये बात एज ऑफ टुडे मानना पड़ेगा कि हमारे देश की लीगल सिस्टम बहुत ही स्लो है। जी। आज आप कोई कंप्लेंट करेंगे उसका एक्शन जब तक मीडिया या कोई बहुत ही बड़ा कोई उस पर आउटरेज नहीं हो जाता तो वो एक मैटर, एक बहुत छोटा सा मैटर होता है और बहुत लंबे टाइम तक खींचता है। वो लंबा टाइम में क्या होता है कि जो जो फैमिली वाले हैं वो हार मान जाते हैं, फैमिली छोड़ वाले, देते बिल्कुल मधु जी, फैमिली वाले आपसे, अश्विनी जी हम दोबारा आपके पास लौटेंगे, मधु जी फैमिली वाले तो आपको भी मिलते होंगे, आप सोशली इतना इन्वॉल्व हैं, क्या रवैया रहता है डॉक्टर्स का ऐसी फैमिलीज के साथ? मैं वही बोल रही हूँ, डॉक्टर्स का बिल्कुल जो पेशेंट्स के साथ जो होता है बिल्कुल ही बहुत ही बुरा बर्ताव करते हैं, और वो इस तरह से उनसे बात करते हैं कि जैसे कि वो कोई क्रिमिनल हो, दैट इज हाउ दे बिहेव विद पेशेंट्स। जी तो जब हम लोग इंटरवीन करते हैं या हम उन पेशेंट्स विक्टिम्स के साथ होते हैं तो हम डॉक्टर्स को ये बताते हैं कि पहली बार तो ये आपका सर्विस ओरिएंटेड प्रोफेशन है जिसमें आप कुछ नहीं देख के, आपको बस यही देखना है कि मैं कैसे अपने विक्टिम को या पेशेंट को कंफर्टेबल कराऊं। तो कंफर्टेबल करने के लिए आपके बॉडी लैंग्वेज, आपके हाव भाव, आपके छोटे से सॉफ्टनेस से ही वो पेशेंट इतना ट्रस्टवर्दी हो जाएगा कि वो आपके ट्रीटमेंट को के साथ कोऑपरेट करेगा। तो ये वर्कशॉप मेरे हिसाब से कि वर्कशॉप होना बहुत जरूरी है हॉस्पिटल्स में, जैसे ही लोग ब्रीफिंग करते हैं पुलिस स्टेशन में, वैसे ही एक ब्रीफिंग होनी चाहिए डॉक्टर्स के विद सोशल वर्कर्स इन विद अदर एनजीओस कि कैसे आप बिहेव करोगे विद द विक्टिम्स और पेशेंट्स। हम इस पर भी चर्चा करेंगे, पिंकेश जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अश्विनी जी आपसे जानेंगे क्या डॉक्टर्स का जिस तरह से मधु जी ने बात की है जेस्टर्स बड़े उनके स्ट्रांग हो जाते हैं, हार्श हो जाते हैं, क्या इसके पीछे वजह फिर वही बात करेंगे कानूनी ऐसे आर्टिकल्स की है जिसकी वजह से उनके दिल में कोई डर नहीं है। हम लौटेंगे इसी खास पेशकश में एक छोटे से ब्रेक के बाद।